हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक्टिव फिल्म्स में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैरेक्टर को किसी प्रॉप्स के साथ कैसे अटैच करते हैं और उसको कैसे मूव कराते हैं। मान लीजिए हमने कुछ बग्गी या कुछ मतलब कि रेडी टाइप का लिया और हमें उसे कैरेक्टर के साथ चलाना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम यहाँ एक कैरेक्टर इंपोर्ट कर लेते हैं। जो भी हमें कैरेक्टर लेना है, आप या तो यहाँ कंटेंट से ले सकते हो, या अगर आपने कहीं अगर अदर आपका कोई सेव है तो आप उसे ले सकते हैं। तो हम अभी पहले जो हमारा कंटेंट में कैरेक्टर है, हम वहाँ से वो कैरेक्टर ले लेते हैं। सपोज हम इस कैरेक्टर को ले लेते हैं और यहाँ पर हमने इसे इंपोर्ट करा। या तो आप इस पर डबल क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हो, या इसे सीधा ड्रैग करके डिस्प्ले पर छोड़ सकते हो, जहाँ भी आपको इसे रखना है। अब हमें एक प्रॉप्स चाहिए। इसके लिए मान लीजिए हम कुछ प्रॉप्स ले लेते हैं, रेडी टाइप या कुछ देख लेते हैं अभी क्या मिलता है प्रॉप्स में। ठीक है, अब हमारा एक कैरेक्टर आ गया। इसे आप देखना चाहो तो ऐसे रोटेट करके देख सकते हो, सी प्रेस करके एफ से फ्रंट हो जाएगा इसका। अब हम कुछ प्रॉप्स इंपोर्ट कर लेते हैं। या तो स्वैप सॉर्ट की कंट्रोल आई प्रेस कर सकते हो, या आप यहाँ पर फाइल पे जाके और इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, या कंट्रोल आई सॉर्ट की है सॉर्ट की भी प्रेस कर सकते हो। अब हमारा जो भी कंटेंट है, हम वहाँ से इसे उठा लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये देख लेते हैं, इसमें है वेस्टर्न टाउन न्यू फोल्डर। ऐसे बड़ा करके देख लेते हैं क्या लेने वाले हैं। तो हमारे पास ये है, बाकी है भैया है। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं। इसे आप यहाँ से सीधा उठाएंगे, सॉरी, इसे आपको ड्रैग नहीं होगा, इसे आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे और यहाँ ओपन पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पर आ गया। ऐसे भी आप फ्रंट से देख सकते हो इस टाइप से, और रोटेट करके भी देख सकते हो ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि मान लीजिए ये कैरेक्टर इसके अंदर ले जाके इसे चलाते हुए जाएगा, यहाँ से निकलेगा, तो हम ये इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसे जो हमारी बग्गी बोलेंगे, इसे इसे ही शायद बग्गी बोलते हैं, इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और इसे हम थोड़ा ऊपर उठा लेंगे। अब हमने इसे रोटेट कर दिया। अब हम कैरेक्टर को यहाँ इसके बीच में इसमें लाने वाले हैं, फिर इसे के हाथों से इसे पकड़ाएंगे। तो हम पहले इसे कैरेक्टर को वहाँ लाने के लिए आप यहाँ लिंक पर क्लिक करेंगे और इस पर प्रेस करेंगे, और कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे, डब्लू प्रेस करेंगे, कैरेक्टर को यहाँ लाएंगे, रोटेट कर लेंगे। राइट रोटेट करेंगे, साइड से देख लेते हैं एक बार। इस कैरेक्टर को थोड़ा और नीचे करेंगे जिससे कि ये हाथों के साथ अटैच रहे। आगे करेंगे थोड़ा, ये ठीक है।
रोटेट करके देख लेंगे, इधर की साइड ज़्यादा लगा हुआ है, इधर कम है, तो हम थोड़ा सा इसे पीछे कर देंगे। अभी रोटेट करके देख लेते हैं। अब हम इसके हाथों को यहाँ इसके साथ अटैच करने वाले हैं, तो हम इस पे जाएंगे और एनिमेशन पे, और यहाँ पे आके हम एडिट मोशन लेयर पर क्लिक करेंगे और इसके हाथों को हम उसके साथ अटैच करेंगे। हम पहले बॉन्ड्स एडिट कर दे उठा देते हैं, और उसके बाद हम हैंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मिरर करेंगे तो दोनों हाथ एक साथ जैसे भी हम करना चाहेंगे उस हिसाब से मूव करेंगे। और रोटेट करेंगे इसके हाथों को, आगे करेंगे, ऊपर से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब हम इसको ऐसे हाथों को ऐसे करेंगे जैसे इसने पकड़ रखा है, तो इसको अभी हम उठा देते हैं और यहाँ से हम कंटेंट पे जाएंगे और होल्ड जो इसमें ऑप्शन है हम होल्ड वाले पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले एनिमेशन पे, एनिमेशन के बाद हैंड्स, हैंड पे आके आपको होल्ड पे क्लिक करना है, पकड़ा हुआ है ये, हम इसको पकड़े हुए पर करेंगे, ये ठीक रहेगा, नहीं इसे इसे कर देते हैं, ये अच्छा लगेगा। ऐसे अब इसके हम हाथों को एक बार पास से देख लेते हैं क्या गलत हो रहा है। वन बाय वन एक एक हैंड करेंगे। अब हम पहले हम फिर से कंटेंट सॉरी मॉडिफाइड टैब में जाएंगे और एडिट मोशन लेयर पे जाएंगे। अब हमको मिरर वाला ऑप्शन हटा देना है क्योंकि हम वन बाय वन हैंड करने वाले हैं, तो हम इस वाले हैंड को पहले करेंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, राइट से थोड़ा इधर करते हैं, अभी रोटेट करके देख लेते हैं, ये सही है, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके राइट वाले को इसको हैंड को करते हैं, ये अभी देखिए इसके अंदर गया हुआ है, क्लिक करेंगे, पहले इसे ऊपर करेंगे हम थोड़ा, ठीक है, अभी देख लेते हैं, हाँ ये अच्छा है और वो भी अच्छा, ठीक है। अब हमारा कैरेक्टर इसके साथ अटैच हो गया। अब इसको हम चलाने वाले हैं इसके साथ। अब क्या करेंगे, हम इसको इस कैरेक्टर के साथ अटैच करने वाले हैं, तो हम पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ अटैच ऑप्शन आएगा, ये लिंकेज का ऑप्शन है, इसे हम हटा देते हैं और ये आपका अटैच वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको पिक पेरेंट करना है और जो भी सिलेक्टर आप सिलेक्ट करना है उस पर आप जाके इसे मतलब क्लिक कर देंगे, जैसे हमने इसको क्लिक करा, अब ये इसके साथ अटैच हो गया। अब हम जैसे इसे मूव कराते हैं कैरेक्टर को, देखिए तो कैरेक्टर के साथ वो भी मूव करेगा, देखिए ये कर रहा है, ठीक है। अब हमारा अटैच हो गया। अब हम इसमें एक बार अब हम इसमें एक बार मोशन डालने वाले हैं, फिर मैं मोशन के साथ इसे हम चला के दिखाएंगे। तो सबसे पहले एडिट वही फिर से और मोशन पपेट पर क्लिक करेंगे, हाँ सॉरी एक बार करना है, मैंने डबल बार क्लिक कर दिया था, एक बार क्लिक करके मोशन पपेट को खोलेंगे। अब हम बेसिक एक मूव कराने वाले हैं इसके लिए, तो कहाँ से हम बेसिक मूव ले लेते हैं,
और बेसिक मूव चाहिए तो ये ले लेते हैं और हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो ये इसका प्रीव्यू है। अभी क्या है, ये स्पीड से चल रहा है, इसको हमें स्लो करना है थोड़ा। तो उसके लिए हम पहले तो ये बेसिक मूव है इस पे लेते हैं और यहाँ मास्क है इसको हम क्लिक करते हैं और इसके हैंड को सिलेक्टर से हटा देते हैं। अब इसकी बॉडी के साथ हैंड नहीं मूव करेंगे तो हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो अभी इस टाइप से ये चलेगा। अभी क्या है, हम इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले। रिकॉर्ड, तो हमने 500 फ्रेम तक इसे रिकॉर्ड कर लिया। अब हम टाइमलाइन ओपन कर लेते हैं। हमारी टाइमलाइन नहीं है अभी, तो ये हमने टाइमलाइन ले ली। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी यहाँ तक हमने रिकॉर्ड किया है। अब हम थोड़ा सा अभी क्या है, हमारा कैरेक्टर एकदम सीधा है तो हम इसको पहले से थोड़ा एडिट मोशन लेयर पे जाके इसे हम पहले थोड़ा गर्दन इसकी आगे की ओर कर देते हैं। रोटेट वाले टूल से थोड़ा इसे रोटेट कर देते हैं लाइक ये, और इसके थोड़े इसको भी हम उस हिसाब से रोटेट कर देते हैं। सॉरी, हैंड क्लिक हुआ इसे ये थोड़ा सा इसको ये कर, ठीक है, ये सही लग रहा है। अब हम कैरेक्टर को एक बार चला के देखते हैं। तो देखिए अभी हमारा कैरेक्टर चल रहा है, बट क्या हो रहा है, कैरेक्टर के साथ वो हमारा जो बग्गी है वो हिल डुल रही है। तो हम इसको और सही करने वाले हैं। और जो व्हील्स हैं, इसके व्हील्स भी रोटेट नहीं हो रहे, तो हम व्हील्स पे भी एक मूवमेंट डालेंगे। तो उसके लिए हम पहले जाएंगे इसके, जो हमने इसको अटैच किया है हम उस पर जाने वाले हैं। तो यहाँ मॉडिफाई पे जाएंगे और जो अटैच किया है आपने, आप यहाँ पर बेस क्लिक करोगे। अभी इसका बॉन्ड्स के साथ हम इसे अटैच करेंगे। तो हम पहले बॉन्ड्स लेने वाले हैं, ये बॉन्ड रूट। अब हम इसको ओके करते हैं। अब हम इसको एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं कैसे। तो ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया। यहाँ तक अटैच किया। अब हम इसे कैरेक्टर को चला देते हैं थोड़ा सा, और सीन्स में जाएंगे, अवतार को सिलेक्ट करेंगे और पहले हम इसे 0 पर कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक चलेगा और यहाँ पे हम सीधा क्लिक कर देंगे और इसे हम यहाँ से इसे चला देंगे। ठीक है, अब हम एक बार इसे प्ले करके देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये चलने लगेगा। बट अभी क्या है हमारा यहाँ पे, कि ऐसे आप इसको कैरेक्टर को चला सकते हैं। तो अब देखिए हमारी ये जो बग्गी है वो मूवमेंट नहीं कर रही है, सिर्फ कैरेक्टर मूवमेंट कर रहा है। अभी क्या है, हम इसके व्हील्स को अभी हम रोटेट नहीं कर सकते। अभी मैं आपको इसको पास करके दिखाता हूँ। अभी देखिए अगर हम इसके व्हील्स को रोटेट कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो रही है। सेलेक्ट करते हैं व्हील्स और रोटेट करते हैं। अभी देखिए जैसे हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये निकल के बाहर जा रहा है। तो इस चीज को हम कैसे सही करेंगे और कैसे हम व्हील्स को रोटेट करने वाले हैं वो इससे अगला जो वीडियो आएगा उसमें जानेंगे। फिलहाल इसमें हमने कैरेक्टर को बग्गी के साथ अटैच किया और मूव कराया। मूवमेंट में हमारा पैसे जब हमने मूव कर रहे थे तो हमारी बग्गी भी उसके साथ हिल रही थी, तो उस चीज को भी हमने बंद करा। उसको बंद करने के लिए आप कैरेक्टर के बॉन्ड्स के साथ इसको अटैच करते हैं तो उससे वो सही हो जाते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसके व्हील्स को रोटेट कैसे करेंगे। हम अलग से इसमें व्हील्स लगाएंगे, इन व्हील्स को हटा देंगे, उस हिसाब से अच्छा लगेगा। वो भी व्हील्स सेम इसी डिजाइन में बनाएंगे, उन्हें भी हम
और फिर हम उसे रोटेट करके दिखाएंगे। वो अपन को ऐसे लगेगा जैसे इसके व्हील्स रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अगले वीडियो में करेंगे, तब तक इस वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको आइकलॉन 7 के और वीडियो जानने या सीखने हैं तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।